हेलो एवरीवन, दिस इज मी आशीष गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये फोटो आ रहा है, अगर आप भी इस तरह की फोटोज अपने मोबाइल फ़ोन या अपने DSLR कैमरे से फोटो को क्लिक करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और दोस्तों हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी पर, तो लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन या अपने DSLR से क्लिक कर सकते हैं इनसे। तो फोटोज़ को क्लिक करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की एसेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि आपको एक ब्लैक चार्ट चाहिए होगा जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा 5 या 10 रुपये का। तो आपको पहली बात तो ये चाहिए होगा। देन उसके बाद आपको एक ट्राईपॉड और देन दो फ़ोन स्मार्टफोन और जिनका यूज़ करके हम फोटो को क्लिक करने का। दोस्तों, हम अपने मोबाइल फ़ोन को अपने ट्राईपोड के ऊपर स्टेबल कर देंगे, अच्छी तरीके से माउंट कर देंगे। मतलब अगर फ़ोन मेरा हिलता है तो हमारी फ़ोटो में सेक आएगा और वो फ़ोटो मेरी अच्छी नहीं आएगी। तो जैसे कि आप ट्राईपोड ले लें, अगर आपके पास ट्राईपोड नहीं है तो आप जुगाड़ बनाकर आप फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। हम अपने सेकेंड वाले फ़ोन में एक वॉलपेपर डाउनलोड करेंगे या अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बना लेंगे और अपने ब्लैक चार्ट जो होगा, बस ब्लैक चार्ट को आप किसी भी वॉल पर आप अच्छी तरीके से उसे लगा देंगे। देन अपने पास जो सब्जेक्ट होगा आपका, जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो आपको बोलते हैं हम लोग, तो इसको आप अपने ब्लैक चार्ट के ऊपर रख देंगे। हाँ, कि आपको अपने फ़ोन में या अपने कैमरे में कितना अपर्चर रखना है, कितना ISO रखना है, ये सारी बातें ध्यान देनी है। अगर आपके फ़ोन में अगर मैनुअल प्रो मोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं कैमरे को, और वहां से अपने इन सारी सेटिंग्स को सेट करके आप अपनी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग्स मैं आपको अभी बता दूंगा। दोस्तों, हम यहां पर मैनुअल मोड पर क्लिक करेंगे अपने, और मैनुअल मोड पर जाने के बाद हम अपना ISO जो होगा 100 रखेंगे, और शटर स्पीड को हम लोग 8 सेकेंड पर रखेंगे, और ऑटो फोकस रखेंगे। देन हम अपनी फ़ोटो को क्लिक करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो अच्छी आएगी। और देन मैं पहले आपको प्रोसेस दिखाऊंगा उजाले के टाइम पे। फ़ोटो क्लिक करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के जस्ट बाद हमें तुरंत अपने फ़ोन को अपने सब्जेक्ट के पीछे से निकालना होगा कुछ इस तरीके से। और देन उसके बाद मैं अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ोटो का रिज़ल्ट, मतलब हमारी फ़ोटो का रिज़ल्ट कैसा आया है। दोस्तों, लाइट ऑफ होने के बाद देन हम अपने फ़ोटो क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन सेम प्रोसेस करेंगे जो मैंने पहले बताया था। तो जितना सेकंड आपका लगा होगा उतने में आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।